Here we are going to talk about some aspects related to documentation of informed consent. When documentation is required, there are the two methods available to see how we can do it informed consent in a writing form. Participants or their legal representatives sign a form containing all elements of the consent, and these elements mean all those elements which we have discussed stepwise. In earlier lectures person who signed the consent form is given a copy as a reference and reminder of the information conveyed. So ye ek formal process hai jisme sari documentation ko complete karke information ko laid down karke sign signature करके उसकी एक copy participant को दे दी जाती है और एक researcher के पास save रहती है। Verbal presentation with short form. Short form refers to the summary of consent information given to the participants and consent is done orally and is documented by an impartial witness. The witness must document that the process has been occurred and also the content of the process. Like agar hum covert observation kar rahe hain ya agar hum experiment जिसके अंदर हमें सेमी uh, कंसेंट uh, uh, जो है वो काइंड ऑफ चीज़ लेनी है और हम उसके अंदर फुल राइट डाउन नहीं कर रहे हैं इनफॉर्म कंसेंट को लेकिन वहाँ जो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है लेट्स से वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई uh, उसका हेड हो सकता है उसका प्रिंसिपल हो सकता है एक हॉस्पिटल के अंदर जो है उसकी मैनेजमेंट uh, की अथॉरिटी में कोई एम हो सकता है वहाँ का कोई इंचार्ज हो सकता है जिससे हम जो है वो ये इनफॉर्म कंसेंट जो है वो साइन करवा लेते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट से हम वर्बली पूछ के उसको हम अप्लाई कर लेते हैं देन वेवर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंसेंट प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड एज वी हैव गिवन मल्टीपल एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दैट इट मे बी वेव्ड अंडर फॉलोइंग टू सरकमस्ट्रांसेज अगर हम उन सारी एग्जाम्पल्स को समरी करें उनको हम सिम्प्लीफाई करें तो दो सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं जिसमें से फर्स्ट वन वुड बी इफ द पार्टिसिपेंट्स वॉन्ट टू हाइड देयर आइडेंटिटी द ब्रीच ऑफ देयर कॉन्फिडेंशलिटी कुड बी हार्मफुल फॉर इन मैनी सिचुएशन अगर पहली बात तो ये कि पार्टिसिपेंट खुद कहता है कि आई एम अटिव पर्सन आई एम वर्नर टू डिफरेंट सिचुएशन और मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं चाहता कि मैं हूँ और वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करने देता रिसर्च अबाउट वुमेन हु हेज़ लेफ्ट अब्यूजिव पार्टनर्स असिंग द फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट देयर एबिलिटी टू लीव अगर हम एक ऐसे ग्रुप ऑफ वमेन से इंट्रोज कर रहे हैं जिन्होंने एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने के बाद बहुत सारी अब्यूज़ सहने के बाद बहुत सारी दफ़ा फ़िज़िकली uh, uh, जो है वो uh, मार खाने के बाद एक रिलेशनशिप को छोड़ दिया और उसके बाद हम उनकी विलिंगनेस पूछते हैं टू पार्टिसिपेट इन दैट रिसर्च ताकि हम किसी की वेमेन की रिजिलियंस देख सकें हम उसकी डिसीजन मेकिंग पावर देख सकें कि वो किस स्टेज पर आकर इस तरह का डिसीजन ले सकती है अपनी सेल्फ स्टीम को कब वो रिलीव कर सकती है तो वहाँ पर सबसे पहले उसकी इस बात को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करने देना चाहती तो वहाँ उससे इंफॉर्म कंसेंट ना लिया जाए देन द स्टडी इन्वॉल्व मिनिमल टू नो रिस्क टू पार्टिसिपेंट्स एंड इन्वॉल्व नो प्रोसीजर रिक्वायरिंग कंसेंट आउटसाइड कंटेक्सट ऑफ पार्टिसिपेशन जहाँ पर बहुत ही मिनिमम अगर कोई रिस्क है वहाँ पर भी ये सिचुएशन है कि हम आ, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अ टेलीफोन सर्वे बाय इन्वायरमेंटल एजुकेटर्स आस्किंग पार्टिसिपेंट्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग फनोमिना एंड इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन एनवामेंट अब इस रिसर्च में किसी को कोई रिस्क नहीं है कि वो एक टेलीफोन सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो अपनी फ़ोन कॉल के ऊपर सिर्फ दो से तीन सवालों का जवाब दे रहा है के इन्वाटल जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे ग्लोब के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो क्या हो सकते हैं हमें उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए या वो किन चीज़ों के बारे में कंसर्न है तो दीज आर द फर्स्ट वन वे दैट द पर्सन इज नॉट गोइंग टू रिवील द आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी और इमोशनल ट्रामा एंड द सेकेंड वन इज दैट दैट देर इज मिनिमम रिस्क इन्वाल्व एंड पार्टिसिपेंट कैन टेल द सिचुएशन दैट आवर देयर ओपिनियन एंड था So, these are the issues which are related to the documentation of informed consent, and we can take care of them while documenting that specific document.